is Prisha. She's already right, Prisha. I have to go mini win. Yes, and this is Adi, right, Adi? Yep. Yay, Adi's already. Look it over here, Adi. Say yo. Yo, yo. Yo. Woohoo. Alrighty, good morning everyone. Welcome back to our channel. हमारे channel का नाम है Find Yourself. कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? So basically आज अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं बच्चों के लिए main event पे. So main event के लिए हम लोग जा रहे हैं mall में. Mall में हम लोगों का main event भी है. वहाँ पे mostly shops भी हैं, Trader Joe's भी है. तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे तो एक दो multiple काम एक साथ हो सकते हैं. तो बस हम लोग निकल ही रहे हैं, तो तैयार हुए हैं. एंड उससे पहले से हे आदि, से हे प्रशा. और आईडी और बच्चों के डैडी बस लॉक करके आई रहे हैं, सो उनसे भी हेलो हाई करवाती हूँ आप लोगों को. और बताएं आप लोग कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन. सो थैंक यू सो मच पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन सबके ऊपर लाइक एंड कॉमेंट्स करने के लिए. और जो भी नए सब्सक्राइबर हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच. उसके लिए बिग बिग थैंक यू कि आप इतना टाइम निकाल रहे हैं और हम लोगों को देख रहे हैं और हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं. सो त्योहार का टाइम अभी चालू ही हुआ है. दूसरे डेली व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, कुछ कुछ यूजफुल वाले भी आते ही रहेंगे और हम लोगों के कुछ फैमिली फन वाले भी आते ही रहेंगे. तो बस आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए. काफी ज्यादा बोरियत लग रही थी घर के अंदर और इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाला माहौल हो रहा है फिर से और ठंड बढ़ जाए. और ठंड का ऐसा है कि यहाँ हल्की सी ठंड तो हो ही गई है, इसीलिए मैंने भी एक लेयर डाली है. बच्चों को भी एक एक लेयर डाल दी है यहाँ पे और बच्चों की डैडी ने भी एक एक लेयर डाल ली है. सो बेसिकली बॉडी एक हो या कहीं किसी तरीके की सर्दी खांसी हो जाए या हेडेक होने लग जाए तो वो तो नहीं अच्छा लगेगा, फिर वो पूरा प्लान ही चॉप हो जाता है. तो इसी लिए सो ऑलरेडी बस बच्चों की डैडी आते हैं तो हम लोग हेडेड टूवर्ड्स मॉल करेंगे. सो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, फिर से कैच आउट करती हूँ. Alrighty, so guys, यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं हमारे मेन इवेंट के लिए. और मैं आपको बता दूँ कि राइट नाउ टेम्परेचर हो रहा है बाहर का 55 डिग्री. थोड़ी सी ठंडक हो गई है तो हम लोगों ने एक 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 क्लियर ले ली है और साथ में ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, मौसम बिल्कुल क्लियर है. बट यू नो जो आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि फील कुछ और ही हो रहा था. सो बस हम लोग निकले हैं हमारे ड्राइव पे और हम लोग बातें करते करते पहुँच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जो कि आज पहला डेस्टिनेशन है मेन इवेंट. मेन इवेंट में हम लोगों का मेन मोटिव ये था कि आज हम लोग बच्चों को अच्छे से इंजॉय कराएं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है मेन इवेंट जो कि इंडोर आर्केड एरिया है एंटरटेनमेंट के लिए. सो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इंडोर एंटरटेनमेंट, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाते ही आपका इतना अच्छा एम्बियंस हो जाता है क्योंकि एक सेक्शन इन लोगों ने पुल का बना रखा है, एक सेक्शन इन्होंने चेस का बना रखा है, सिटिंग एरिया है, एक एरिया यहाँ पे इन्होंने ईट इन किचन कर रखा है, एक एरिया पूरा बाउलिंग का बना रखा है, एक एरिया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडोर जो प्लेज होते हैं जैसे बास्केटबॉल हो गया इंडोर से रिलेटेड और ऑन द टेबल वाला हो गया, एयर हॉकी हो गया और कुछ ऐसे यू नो थोड़े से कंप्यूटराइज गेम हो गए हैं और वो सारी की सारी चीज़ें मोटरबाइक्स गेम्स हो गए, रेसर गेम्स हो गए, स्केट्स हो गया, स्कीज हो गई. सो ये सारे बेसिकली स्पिनर्स वाले ये बेसिकली इन लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए इंडोर बना रखा है. तो हम लोग आज वहीं पर आए हैं. इस इंडोर एरिया में आपको बंजी जंपिंग भी मिल जाएगा, इस वाली जगह पे आपको एयर वॉक रोप भी मिल जाएगा जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, यू कैन हैव योर ओन एक्सपीरियंस विद सम काइंड ऑफ हाइट्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच यू वांट टू डेयर इट. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे तो क्या कोई भी उम्र के लोग हों वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं. इनफैक्ट हम भी हमारे बच्चों के साथ जाते हैं, मज़ा करते हैं वहाँ पे, पूरी तरीके से एंटरटेन होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ का एम्बियंस ही इतना अच्छा है. वहाँ पे टाइफून गेम्स हैं, टाइफून कंप्यूटराइज गेम्स हैं, 3D गेम्स हैं, 4D गेम्स हैं एंड इट जस्ट ऑल सो मच ऑफ नॉइजी दैट यू फील लाइक दैट यू आर इनटू द गेम. और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो वी
take it and we realize it that this is the best place if you want to go to the any kind of an indoor place and you want to enjoy some kind of a quality good time with the hours and everything and for the whole family members. And ये ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे tickets win करते हैं. एक particular आपको card दिया जाता है, आपको card buy करना होता है, उसके अंदर particular amount होता है, उस amount के through आप जो भी games करते हैं उसके अंदर आपको points मिलते हैं. Points के बाद जब आप उस पॉइंट से खेलना शुरू करते हैं तो आप टिकट्स मिलते जाएंगे आपको, या तो टिकट्स मिलेंगे या फिर टिकट्स अगर आपको नहीं चाहिए, आपको हाथ में नहीं चाहिए टिकट्स, तो आप उसे कार्ड में भी स्वाइप करते जाएंगे तो कार्ड में भी ऑटोमेटिकली वो फिलअप होते जाते हैं. और बाय द एंड ऑफ द थिंग, मतलब जब आपका ये पूरा तरीके से सब कार्ड वगैरह सब स्वाइप हो चुका होगा, उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आपको गिफ्ट मिलेगा. वहाँ पे गिफ्ट सेंटर बना हुआ है विनिंग टिकट्स के लिए. सो बेसिकली अगर आप जितना ज़्यादा खेलेंगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जितना ज़्यादा फोकस के साथ खेलेंगे, आप उतने ज़्यादा टिकट ले पाएंगे. तो हमारा मेन मोटिव भी वही होता है हमारे बच्चों को. हम शुरुआत में जब कहते हैं, शुरुआत में आपको सीखने में टाइम लगता है, लेकिन वंस यू लर्न इट यू विल फील सो हैप्पी अबाउट इट एंड यू फील सो एक्साइटिंग अबाउट इट. सो दैट्स वाई वी प्रेफर दिस वन. यहाँ पे आप खेलते हैं, यहाँ पे आप चीयर अप करते हैं, यहाँ पे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, चीयर अप करते हैं एक दूसरे के लिए, चीयर लीडर की तरह. सो बेसिकली इट ऑल अबाउट यू नो व्हाट, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. लाइक अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो आप उन्हें बूस्ट अप कर सकते हैं मोटर बाइक में, स्केट्स में, और इस तरह के यू नो थोड़ी सी बाइक राइडिंग के लिए, थोड़े से बच्चों के साथ कुछ स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए. बच्चों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है. You know what, in कुछ places होती हैं जहाँ पर आप हमेशा जा सकते हैं. So this one is the best one. So we will give it a 5-star thumbs up. So you should go there and you should try this one. So this one is the whole experience and our most of the time was very nice. और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो मैं अभी बताऊँगी आपको कि डेढ़ घंटा हम लोगों को लगा, लेकिन डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही हो गया था वहाँ पर. हम लोगों ने कम से कम 2 से 3 घंटा स्पेंड करा था और इट वॉज सच ए worth it thing. So we really loved it. ये इतने 3D गेम्स होते हैं, इतने ज़्यादा 4 डायमेंशंस वाले गेम्स होते हैं, और इतने ज़्यादा रियलिस्टिक लुक्स होते हैं इनके, इतने कंप्यूटराइज्ड होते हैं इनके कलर्स वगैरह सब, इतने ब्राइटनेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. इनफैक्ट बच्चों को इतना एक्साइटमेंट लगता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. और हम यहाँ पर ऐसी जगह है, यहाँ पर आप बर्थडे पार्टीज़ भी आप थ्रो कर सकते हैं. ग्रेजुएशन पार्टीज़ होती हैं, मोस्टली ये बच्चों के लिए होता है. तो हम लोगों ने भी पहले कर चुके हैं, हम भी हमारे बच्चों की 1-2 बार यहाँ पर पार्टी थ्रो कर चुके हैं जब वो छोटे थे. इट वॉज़ सच ए नाइस थिंग. और सच्ची बता दूँ कि ये अपने आप में इतनी अच्छी जगह है कि यू विल फील टोटली वर्थ इट. अगर आप वहाँ पर जाएंगे 3-4 घंटे भी अगर आपके लगते हैं तो यू विल फील सो नाइस अबाउट इट. कि अगर आपने मूवी नहीं देखी और ये जगह इंजॉय कर ली तो ट्रस्ट मी दिस वन इज़ द बेस्ट प्लेस. वी विल डेफिनेटली रिकमेंड इट. और यहाँ पे आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 आवर्स हमारे बच्चों का खेलना हो गया है, हमारे सारे पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए थे. तो अब हमारे टिकट्स के जो पॉइंट्स चढ़े हैं जिसमें से हम विनर्स चॉइस में जाके अपनी कोई भी चीज़ें, अपनी टिकट्स कलेक्टिंग के लिए जो भी हमारे गिफ्ट्स हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो बस हम लोग उसी शॉप में जा रहे हैं वहाँ से लेने के लिए. तो हमारे बेसिकली जो जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं उसके बदले में हमें गिफ्ट्स पिक कर सकते हैं.
जो कि इक्वल टू पॉइंट्स इक्वल टू वर्थ इट ऑफ द जो आइटम होता है या जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उसके बराबर का होता है। तो बच्चों ने अपना आइटम ले लिया है और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अपने दूसरी जगह जाने के लिए। ऑलराइटी गाइस, अभी हम लोगों का मेन इवेंट का काम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बच्चों ने अपने प्राइज में क्या जीता है, जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे। प्रिशा गॉट अ लामा लामा, आदि गॉट अ स्पिनर, ये आदि गॉट अ स्पिनर, एंड व्हाट एल्स, कैंडी, राइट, एंड डैडी गॉट अ बिल, या डैडी गॉट अ बिल, बिग बिग बिल। और हमारे पास ये इस तरह के कार्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसको फिलअप करवा लेंगे फिर से कैश डलवा के, राइट डैडी? ऑलराइटी, चलिए अब दूसरी जगह पे चलते हैं। अब गैंग जाएगी, यहाँ पे हो गया अभी डेढ़ घंटा, हम लोगों को डेढ़ घंटा अच्छे से स्पेंड करा हमने, बहुत अच्छे से। ऑलराइटी ऑलराइटी गाइस, तो अभी हमारी गैंग पहुंची है ट्रेडर जोस पे, राइट डैडी? ट्रेडर जोस पे आई है हमारी गैंग। अब होगा गैंग का काम, बढ़िया अपना देसी सामान जो मिलता है यहाँ पे, हाँ, प्लस जो यहाँ के अच्छे सामान पसंद है वेस्टर्न, हाँ, और कुछ कुछ ऑर्गेनिक भी, तो अच्छा है। चलिए चलते हैं अंदर। ऑलराइटी, चलो गाइस। ट्रेडर जोस का काम हो गया है, अब जा रहे हैं घर। ऑलराइटी गाइस, तो हम लोग आ गए थे ट्रेडर जोस से, और ट्रेडर जोस से हम लोगों ने मोस्टली जो चीज़ें हम लोग बेसिकली हमारी नेसेसिटीज़ वाली होती हैं वो हम सब लेकर आ गए हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आज लज़ानिया लेकर आई हूँ, रोस्टेड वेजिटेबल लज़ानिया जो मल्टीग्रेन आटे से बना हुआ था। सो इसको गर्म करने का दो तरीका, ये एक्चुअली फ्रोज़न था और फ्रोज़न मेरा खाने का बहुत मन हो रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी। मैं बेसिकली कभी कभी घर में भी बनाती हूँ लेकिन लज़ानिया बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। सो बेसिकली मैं कभी कभी अपने पास ये एक या दो डब्बे हमेशा रखती हूँ स्पेयर में, कि जिस दिन मुझे आलस आ रहा हो या जिस टाइम मुझे आलस आ रहा हो तो मैं ये सीधा फ्रोज़न वाला खोल लूँ और सीधा इसे माइक्रोवेव या जो भी मेरे कन्वेंशनल ओवन है उसके अंदर थ्रो करूं और गर्म करके खा लूं बस। सो बेसिकली ये इतना बड़ा था कि ये हम लोगों ने चार हिस्से कर लिए थे और ट्रस्ट मी ये बहुत ही हैवी था। और दूसरा, हम लोग इस तरह के रैप्स लेकर आए हैं, ये स्पिनच रैप्स हैं और इसके अंदर इन्होंने हमस और वो बेसिकली सारी चीज़ें, सारे वेजीज भर रखे हैं। और हम लोगों का लंच हो गया था, तो लंच करने के बाद हम लोग ऊपर चढ़े हैं। ऊपर जाके हम लोग क्लोज़ेट साफ़ कर रहे थे, बच्चों के रूम साफ़ कर रहे थे, बच्चों के साथ हम लोग थोड़ा सा बातें भी करते जा रहे थे कि आज दिन भर कैसा लगा मम्मी पापा के साथ। तो बस हम लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।